अस्सलाम वालेकुम सरदार ज़ुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक मैं, और खैर खैरियत है। पहले तो ब्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, तो फिर मैंने कहा भाई दोस्तों के लिए ब्लॉग बना दूँ। सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। आपकी ईद कैसी जा रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं भी दरबार पर जा रहा हूँ, तो ये देखें खेत वगैरह बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, गंदम वगैरह लोगों ने उठा ली है। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से इतना लंबा तो व्लॉग नहीं होगा, छोटा सा होगा, शॉर्ट सा। तो चलो अपने दोस्तों के लिए मैंने ये टाइम निकाला है तो व्लॉग बनाने का, तो जो कुछ करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो आपकी ईद कैसी गुजर रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वो एरिया है जहाँ पर मेला वगैरह लगता था और दरबार है। आज मैं आपको दरबार दिखाता हूँ। ये दरबार का दरवाज़ा है, यहाँ से अंदर बड़ी दरबार है। ये जी हम बाग में निकली हुई हैं। बाग में बहुत प्यारा मौसम है, तिरंत तिरंत की आवाज़ आ रही है, तो घूम फिर रहे हैं। यहाँ पर गंदम वगैरह की कटाई हो गई है, तो वो पड़ी है, सारे कज़न वगैरह फिर रहे हैं हम। खाना जी सरदार शेर शाह की तरफ से था, उनके घर में सारे अपने दोस्तों की दावत शावत की हुई थी। अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको खुश रखे। ये जी हमारा प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है, खाने खाने वाला। तो ये देखें सारे दोस्त, ये जी राइस आ गए हैं, तो अभी राइस को शुरू करते हैं। ये जी सेवन अप की बोतल मैं पी रहा हूँ, ज़्यादा सेवन अप मुझे बोतल पसंद है। नमाज पढ़ते हुए मेरी बात एक दिमाग में आ रही थी कि जैसे ना ख़त्म होती है ना, मतलब रमज़ान ख़त्म होता है ना, तो रश ना कम हो जाता है मस्जिद में। तो आज ना बिल्कुल बहुत कम बंदे थे, जो बाकायदगा नमाज पढ़ते थे वही लोग थे मस्जिद में। तो जैसे ही रमज़ान आता है तो लोग ज़्यादा हो जाते हैं मस्जिद में, तो जब रमज़ान ख़त्म होता है तो ईद वाले दिन ही ना बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए दोस्तों नमाज पढ़ा करो, नमाज में बड़ा सुकून है, और ये रमज़ान के बगैर भी पढ़ा करो। आस बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो बंदा बाहर नहीं निकल सकता, निकले भी तो इतनी मिट्टी भट्टी सार हो जाता है। अभी मैंने सार धोया है, तो अभी मैं बाहर निकलने लगा हूँ। तो ये आप निशान देख रहे होंगे, ये एक छोटा मेरे कज़न का बेटा है, तो उसको उठाया तो उसने हाथ मार दिया, उसके नाखन बड़े होते, तो उसकी वजह से ये निशान आ गया। ये काफ़ी बुरा लग रहा है, तो आप बताएं कि कैसा लग रहा है।